नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बहुत किसी का सवाल ये है कि सर ड्रैगन ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे ड्रैगन ट्रेड लेना चाहिए, इसके बारे में आप बहुत किसी का सवाल था मेरे पास। और आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें मैं ड्रैगन ट्रेड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो उसी सीरीज़ में से एक वीडियो है। इस वीडियो में मैं बेसिकली यूज़ करने जा रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज 460-15। या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको चेंज भी हम लोग कर सकते हैं, सिंपली हम लोग एक काम करते हैं MACD ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 4 and 15 को रखते हैं, या तो 4 and 25 ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रहा ग्रीन और एक सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग 15 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिंपल मूविंग एवरेज 4 and 15 एंड अलॉन्ग विद दैट मैं यूज कर रहा हूँ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को स्पेशली ड्रैगन ट्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को GBP USD यूरो USD के चार्ट पे ट्रेडिंग करके दिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ चार्ट मैं ढूँढूँ जहाँ पे चार्ट थोड़ा स्टेबल होगा और आप लोगों को मैं लगातार दिखा पाऊँगा कि कैसे एक बेस ट्रेड के ऊपर, अगर बेस ट्रेड जो आप सिलेक्ट किए हो वो अगर बहुत बेटर आप ट्रेंड चूज़ किए हो तो कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हो। और ड्रैगन पहले एक ट्रेड ओपन करते हैं, 4 मिनट का $50 का एक यूरो USD पे मैंने ट्रेड ओपन किया है। यहाँ पे आप लोगों को इंटरसेक्शन दिख ही रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज 4 सिंपल मूविंग एवरेज 15 को इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी 0 के ऊपर बार्स फॉर्म हो रहे हैं। बहुत फीका सा है लेकिन बार्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, सिग्नल लाइन जो है, सिग्नल लाइन इंटरसेक्ट किया है लेकिन साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे 4 मिनट का ट्रेड मैंने ओपन किया है आप लोगों के सामने, लेकिन दूसरा कुछ चार्ट्स मैं यहाँ पे देखना पसंद करूँगा, जैसे कि GBP USD एक बार देखते हैं। अगर हम लोगों को ठीक लगा तो हम लोग GBP USD यूज़ करेंगे, या तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे कोई क्रिप्टो एसेट्स। यहाँ पे एक चांस हम लोगों को मिल सकता है, थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा देर चार्ट को परखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि चार्ट का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1226 है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे भी एक 5 मिनट का $50 का एक ट्रेड मैंने ओपन किया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बेस ट्रेड प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन किया आप लोगों के सामने, आप लोग देख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, क्रिप्टो एसेट्स पे चले जाएंगे। क्रिप्टो एसेट्स पे इथियोरियम, रिपल, लिटकॉइन, इथियोरियम क्लासिक, हर एक यहाँ पे 80% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, GBP USD पे और एक बार जाते हैं। GBP USD पे अभी कुछ चेंजेस दिख रहा है मुझे, जो पुल बैक होना था वो हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रैगन ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन और एक पुल बैक का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। देखते हैं वो पुल बैक का हम लोग थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, मैंने ड्रैगन ट्रेड ओपन किया है $150 का GBP USD पे, ठीक है। GBP USD पे एक बेस ट्रेड 5 मिनट का है। EURUSD पे आप लोग देख रहे हो कि एक बेस ट्रेड 4 मिनट का था, तो यहाँ पे भी और एक ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट हम लोगों को करना पड़ेगा। GBP USD देखते हैं क्या हो रहा है। GBP USD थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे हो रहा है, 7 सेकेंड बचा हुआ है एक्सपायरी होने में। और यहाँ पे 39.40
$60 का यहाँ पे सेल प्राइस है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ पे आउट हो सकते हो, आउट इन द सेंस आप ये पोजीशन आपका फेवर में नहीं जाएगा, तब आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेल करके मार्केट से निकल सकते हो। आपका जो पोजीशन है, पोजीशन एग्जिट आप कर सकते हो। 5 सेकंड का टाइम, 3, 2, 1, ये रहा ड्रैगन ट्रेड जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, वो हम लोगों को प्रॉफिट। बेस ट्रेड अभी भी चल रहा है, आप लोग देखिए, बेस ट्रेड अभी भी चल रहा है। इस मुकाम पे भी आप और एक ड्रैगन ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, क्योंकि पिछला वाला जो ड्रैगन ट्रेड था वो हम लोग को प्रॉफिट हुआ था। तो वी शुड नॉट, मतलब कभी भी आप ये मत करना कि पूरा का पूरा ऑल आउट आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ये रहा, मैंने ट्रेड ओपन किया, एक मिनट का $25 का एक ट्रेड मैंने ओपन किया। यहाँ पे क्या है, जो मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो है ही, मैं मार्केट से निकल नहीं जाऊँगा। यहाँ पे यही मेरा सुविधा होगा कि मार्केट से मैं हटूँगा नहीं उतना इजीली। तो यहाँ पे बात करते ही करते यूरो यूएसडी में जो 4 मिनट का जो मैंने बेस ट्रेड ओपन किया था, लेकिन ड्रैगन ट्रेड ओपन नहीं कर पाया हम लोग, तो उसका आप लोगों ने प्रॉफिट देखा। एक काम करते हैं, कुछ दूसरा ट्रेड्स पे दूसरा चार्ट देख लेते हैं। इथियोरियम क्लासिक यहाँ पे देखते हैं। इथियोरियम क्लासिक दोस्तों देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टोज पे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत ध्यान से करना है क्रिप्टोज पे ट्रेड। और क्या है कि आपको चार्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर इथियोरियम क्लासिक पे हम लोग देखें, इथियोरियम क्लासिक पे आपको दिखेगा कि चार्ट जो है डाउनवर्ड मूविंग है, बेयरिश चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैं बेस ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्वर्जेंस दिखा रहा है टूवर्ड्स SMA 15। और यहाँ पे अगर आप MACD देखो तो यहाँ पे भी कुछ कन्वर्जेंस हम लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, जब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, तब हम लोगों को ये सब जगह पे ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए, या तो वेट करना चाहिए, ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए। ये बात थोड़ा अगेंस्ट हो गया, ऐसा नहीं, ट्रेड आप ओपन कर सकते हो लेकिन थोड़ा वेट करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक $25 का एक डाउनवर्ड ट्रेड, मैं बेस ट्रेड यहाँ पे $25 का ले रखा हूँ, अभी वेट करेंगे इसके ऊपर। GBP USD आप लोग देख रहे हैं कि किस हिसाब से GBP USD ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप ड्रैगन ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैप है, ये गैप आपको माइंड करना होगा कि कुछ इवेंट हुआ है जिसके लिए ये गैप हो रहा है, या तो मार्केट ओपन हो रहा है, या तो ब्रेक चल रहा है, या कुछ ब्रेक आ रहे हैं ऐसे। तो गैप्स क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे आपको गैप माइंड करना है, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को अगला वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक अगला ट्रेड पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इथियोरियम हम लोगों को प्रॉफिट दिला सकता है कि नहीं। इथियोरियम पे मैंने और एक मिनट का ड्रैगन ट्रेड लिया है $25 का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सीधा यहाँ पे दिख ही रहा है, बहुत साफ है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होके नीचे की तरफ जा रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 415। और यहाँ पे जो MACD है वो भी आपको बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने बेस ट्रेड ओपन किया, बेस ट्रेड ओपन करने के बाद हम लोगों ने वेट किया, ये देखने का प्रयास किया कि भाई ये बेसिकली कहाँ जाता है, क्या ये सच में एक बेयरिश ट्रेंड है। जब हम लोगों को समझ में आया, तब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड ओपन किया एक मिनट का, सिर्फ इस मूवमेंट को पकड़ने के लिए। अभी आप ट्रेड ओपन मत कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, पुलबैक जो होना है पुलबैक होने दीजिए, उसके बाद आप फिर से ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वेट करना ज़रूरी है, थोड़ा परखना ज़रूरी है। तो ये है एक सिंपल सा चीज़, और ये देखिए आप लोगों के सामने कि कितना रिस्की ये हो सकता है। इथियोरियम क्लासिक का जो मैंने ड्रैगन ट्रेड ओपन किया था, आप लोगों ने देखा कि 21 सेकंड में ये कैसे मेरा जो प्रॉफिट था वो लेके गया। तो ये सब चीज़ दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना होगा कि ड्रैगन ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल, ड्रैगन ट्रेड्स आर प्रॉमिसिंग, समटाइम्स दे आर लाइक
रियली ड्रैगन्स, दे कैन ईट योर बैलेंस अप. तो आपको ये सब समझना ज़रूरी है और उसी समझ बूझ के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बेटर होगा. और आप लोग अगर मेरे ट्रेडिंग चैनल पे नए हो और आप लोग मेरे साथ मेरे सिग्नल्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले दो चार दिन थोड़ा सिग्नल्स में कैसे दे रहा हूँ उसके साथ हैबिचुएट हो जाइए. थोड़ा आप लोग डेमो अकाउंट से आप लोग ट्रेड ओपन करें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे ट्रेड लिया जा रहा है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट आपको करना है. क्योंकि पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग है, पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है, वो आपके ऊपर है. तो ये सब आपको समझना ज़रूरी है. तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा डेमो में आप समझ के पेस जो है ट्रेडिंग ग्रुप का, उसके साथ जब आप ये सोच रहे हो कि यू आर ऑल्सो कम्फर्टेबल एनफ विद द पेस, देन यू कैन सर्टनली गो अहेड एंड ओपन trades, copy trades and execute the same trades which I give signals in my Telegram signal trading group. तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सीखो ट्रेडिंग ओपन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, सीखो ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए. वहाँ पर मेरा टेलीग्राम पर्सनल आईडी आपको मिलेगा. कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप मुझसे कर सकते हैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे, और आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक से साइन अप कीजिए, फ्री ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा आपको और $10,000 का डेमो बैलेंस भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए. तो ये सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए, सीखो ट्रेडिंग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड गुड लक टू यू ऑल. मुझे आज्ञा दीजिए. नमस्कार. जय हिंद.